दोस्तों, आप सभी को पता था कि आज जो है एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हो रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को लेकर और विभिन्न मांगों को लेकर, क्योंकि उम्मीदवारों की काफ़ी सारी जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को लेकर कुछ न कुछ हर चीज़ जो है अधीनस्थ बोर्ड ने रोक रखा है। तो यहां पर सबसे ज़्यादा जो उठने वाला मुद्दा था वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परिणामों को लेकर था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों, राजस्थान यहाँ पर शक्ति युवा एकता संघ के जो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं मनोज मीना सर की तरफ से ये अपडेट आया है, जिन्होंने यहाँ पर ये जो आवेदन है, ये जो विषय है बेरोजगारों के उम्मीदवारों के लिए और विभिन्न विभिन्न मांगों को लेकर, तो यहाँ पर जो CHO भी एक मुद्दा है जिसके लिए साथ ही यहाँ पर उम्मीदवार काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं, उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर पूरे तरह से यहाँ पर जो है आक्रोश में उम्मीदवार आ चुके हैं और अधीनस्थ बोर्ड का पूरे तरह से यहाँ पर घेराव भी हो चुका है और युवाओं की मांग को लेकर यहाँ पर जो है उम्मीदवार काफ़ी लंबे समय से कह रहे थे कि इस भर्ती की जो कई परिणामें हैं वो जल्द से जल्द जारी किया जाए और यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए बड़े कदम भी उठाए गए, जिसमें कि एक कदम यहाँ भी देते हैं कि 20 मिनट में कर्मचारी चयन बोर्ड के में बेरोजगार युवाओं की मांग के साथ है। यहाँ पर साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड से जल्द उम्मीदवारों को पहुँचने की आग्रह भी की जा रही है कि जितने उम्मीदवार हैं वो जल्द से जल्द अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आएँ। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि उम्मीदवारों की जो संख्या है वो पूरी हो चुकी है और जिसमें जो उम्मीदवारों की आक्रोश है वो क्या है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके तरफ से पूरा तरह से यहां पर जो है प्रदर्शन किया गया है और उस प्रदर्शन में उम्मीदवारों की जीत पक्की है दोस्तों, और हो सकता है कि आज ही इस आक्रोश में उम्मीदवारों की जो निर्णय है जो भर्तियों को लेकर वो अधीनस्थ बोर्ड पूरी भी कर दे। तो जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी अपडेट आएगी आप सभी तक जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।